हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते अच्छे होंगे। मैं दिव्या, आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से अपने एक और नए वीडियो में। तो आज मैं कोई टिप्स नहीं लेके आई हूँ, मैं बस आपको छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ। इस समय ठंडियों का सीज़न चल रहा है और सर्दियों के सीज़न में किचन का काम तो हमें करना ही होता है, चाहे कितनी भी आलस हो चाहे कुछ भी हो। और हमें किचन का काम करने में ना आलस नहीं आती है, खाना बनाने में आलस नहीं आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जब आलस आती है जब हमें बर्तन धुलना होता है। तो इसके लिए मैं आपको छोटी सी टिप्स बताऊंगी उसको क्या करना है आपको। आपको ठंडे पानी से भी बर्तन धुलने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, आपको पानी भी गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप ठंडे पानी से आराम से अपने बर्तन को भी धुल लोगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो लोग पुराने हैं प्लीज़ मेरे वीडियो को ऐसे सपोर्ट करें, प्यार करें और आगे मेरे वीडियो में बने रहें। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने ऑनलाइन मंगाया था ग्लव्स, डिश वॉशिंग ग्लव्स, और बट गलती से मुझे दूसरा वाला आ गया है। तो कोई नहीं है, हम इसी से अपना काम चला लेंगे। और मैं बताती हूँ आपको मैंने कौन सा ऑनलाइन मंगाया था, मैं ऊपर मेंशन कर रही हूँ आपको। तो फ्रेंड्स देखिए, ऊपर मैं दिखा रही हूँ आपको, मैंने ये वाली ग्लव्स मंगाई थी। इसमें ऑलरेडी स्क्रबर वगैरह रहता है, आपको स्क्रबर यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बर्तन के लिए। आप उसमें डिश सोप डालोगे और उसी से अपने बर्तन धुल लोगे। और कोई ना, और मैं इसी से अपने बर्तन धुल रही हूँ। तो देखिए कितने आराम से हमारे बर्तन भी धुल जाते हैं, और जिनके हाथ में कटे पिटे भी रहो ना, तो ये ग्लव्स पहन करके आप आराम से बर्तन धुल सकते हो, आपके कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और किसी किसी को ये भी प्रॉब्लम होती है ना कि डिटर्जेंट वगैरह से किसी को एलर्जी होती है, तो हाथों में भी वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप इस ग्लव्स को यूज़ कर लोगे, और चाहे ठंडा पानी हो चाहे गर्म पानी हो, आप किसी भी पानी से बर्तन आराम से धुल सकते हैं। सर्दियों के सीज़न में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए हमारे बर्तन धुल गए हैं, और मैं आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारे हाथ में बिल्कुल भी पानी नहीं लगा है, और इस ग्लव्स को आप आराम से भी सोप से धुल करके रीयूज़ कर सकते हो, आप काफ़ी अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें।